डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में एक बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी के बुक में जो प्रश्न उत्तर रहता है बीच में, उसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसके बीच के जो प्रश्न हैं उसको करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, मानव में वहन तंत्र के घटक, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, इन घटकों के क्या कार्य हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं? देखिए, बोला गया कि मानव में जो वहन तंत्र है उसका घटक कौन कौन है, यानी कि मानव में जो वहन तंत्र का घटक, यानी वहन का मतलब जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, जैसे कि हृदय, रुधिर वाहिकाएं, लसिका, प्लेटलेट्स, ये सभी ना वहन तंत्र। तो लिखा जाए इसका उत्तर, हालांकि सबके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं वहन तंत्र के बारे में, तो लिखा जाए उत्तर, मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। पहला, उसके नीचे लिखेंगे, पहला में हृदय, दूसरा रुधिर वाहिकाएं, तीसरा लसिका, चौथा प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, जैसा कि सवाल बोल रहा था कि वहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं, तो ये चार घटक हो गए, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, लसिका एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इनके घटकों के क्या कार्य हैं, तो उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इन घटकों के, चलो ना जवाब दो, इन घटकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। आंसर में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इन घटकों के, यानी इन घटकों का मतलब हृदय, रुधिर वाहिका, लसिका, प्लेटलेट, तो इन घटकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पहला नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, हृदय, है ना, हृदय। तो हृदय के बारे में लिखा जाए, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, सवाल बोल रहा था कि घटक कौन कौन से हैं वहन तंत्र के लिए और उनके क्या कार्य हैं। हृदय का कार्य रुधिर वाहिका का, लसिका का, प्लेटलेट्स का कार्य बताना है। हृदय के कार्य में लिखने के लिए उसके सामने एरो देंगे, लिखेंगे हृदय का मुख्य कार्य रुधिर को पंपन करना है। पंपन का मतलब पंपिंग, रुधिर को पंपन करना है, जो विऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, चलिए, तो हृदय का मुख्य कार्य क्या है, रुधिर को पंपन करना। पंपिंग करने से क्या होगा कि जो हमारे हृदय में विऑक्सीजनित रक्त, यानी कि जो खराब रक्त है, अशुद्ध रक्त है, उसको ऑक्सीजनित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये हृदय का कार्य हो गया। दूसरा में हम लोग लिखें रुधिर वाहिकाएं,
तो रुधिर वाहिकाएं का कार्य लिखने के लिए इसके सामने एरो देंगे, ठीक है। इनका कार्य भी पूछ रहा है सवाल में, तो रुधिर वाहिकाएं क्या डैश लेंगे, लिखेंगे धमनी रुधिर को हृदय से, धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि जबकि सिराएं रुधिर को जबकि सिराएं रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। जैसा कि आप आपको हम पढ़ाए हुए हैं पहले कि रुधिर वाहिकाएं में दो तरीके का बात होता है, एक होता है धमनी और एक इसी के अंतर्गत आता है सिराएं, ठीक है, सिराएं। अब धमनी का काम क्या है, तो धमनी का काम होता है हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैला देना, ठीक है। और सिराएं का काम क्या है कि पूरे शरीर से जो खराब खून एकत्रित हुआ उसको वापस कहाँ लाना, हृदय में लाना। तो यही बात हम लोग लिखें कि रुधिर वाहिकाएं में जो धमनी होती है वो हृदय से रुधिर को, रुधिर मतलब रक्त यानी कि खून को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, लेकिन सिराएं काम क्या करती है, पूरे शरीर से हृदय में लाया जाता है, यानी कि पूरे शरीर में से खून को इकट्ठा करके, एकत्रित करके वापस कहाँ ला दिया जाता है, हृदय तक। ये कौन लाता है, सिराएं। चलिए तो अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, लसिका के बारे में, क्योंकि लसिका का भी कुछ कार्य है। अब लसिका का क्या कार्य है लिखा जाए, लिखेंगे यह उसके नीचे उसके बगल में एरो देकर, क्योंकि सभी हम लोग कार्य लिख रहे हैं ना, ये सब घटक हो गया और इसका कार्य है, लिखेंगे यह एक प्रकार का द्रव है जो, यह एक प्रकार का द्रव है जो पचा हुआ भोजन से, जो पचा हुआ भोजन से वसा को अवशोषित करके, जो पचा हुआ भोजन से भोजन को अवशोषित करके वहन करता है, पचा हुआ भोजन से वसा को अवशोषित करके वहन करता है, ठीक है। चलिए आप देख पा रहे होंगे लसिका के बारे में कि लसिका क्या है, तो लसिका के बारे में आपको जानना चाहिए कि यह एक प्रकार का द्रव है और इसका काम क्या है कि जो हम भोजन खाते हैं ना, तो उस भोजन से हमारा क्षुद्रांत्र क्या करता है, हम क्षुद्रांत्र के बारे में भी पढ़े हैं जब पाचन तंत्र को पढ़ रहे थे, तो है ना, तो वहाँ पे क्षुद्रांत्र क्या करता है कि भोजन से वसा को अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब है कि जो भोजन हम खाते हैं उससे जो वसा जो है अवशोषित, अवशोषित का मतलब खींच लेता है, और वह अवशोषित कर लेता है क्षुद्रांत्र, तो अब उस वसा को पूरे शरीर में किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो यही काम करता है लसिका, ठीक है। तो लसिका का काम है कि जो पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र में आता है वहां से वसा को अवशोषित करके पूरे शरीर में फैलाया जाता है, यही लसिका का क्या है, कार्य है। तो अभी हम लोग घटकों के कार्य देख रहे थे, चलिए चौथा जिसका नाम है प्लेटलेट्स, इसका कार्य देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य लिखने के लिए इसके सामने एरो देंगे, लिखेंगे यह रुधिर को,
यह रुधिर, रुधिर का मतलब होता है रक्त यानी कि ब्लड, ठीक है ब्लड, यह रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है। यह रुधिर को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों को पहला क्वेश्चन का पूरा तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया। बोल रहा था कि कौन कौन से घटक हैं वहन के लिए मानव में और उनका क्या क्या कार्य। चलिए दूसरा लिखा जाए क्वेश्चन, स्तनधारी। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बीच का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा कहाँ ये क्वेश्चन है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? दोस्तों समझिए, स्तनधारी का मतलब क्या? स्तनधारी किसको कहते हैं? स्तनधारी जीव आखिर कहते किसको हैं? तो स्तनधारी वैसे जीव को कहते हैं जो अपने एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है स्तनधारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्तनधारी। लेकिन पक्षियां क्या करते हैं? तो पक्षियां अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अंडे का निर्माण करते हैं, पहले अंडे देते हैं और फिर अंडे से क्या होते हैं? बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या? जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और जो अंडे के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट पक्षियां, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्तनधारी और पक्षियां में जो हृदय होते हैं, तो हृदय दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक ऑक्सीजनित और एक विऑक्सीजनित, यानी कि एक शुद्ध रक्त एक अशुद्ध रक्त। तो बोल रहा है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों को अलग अलग क्यों करना जरूरी है? अगर मान लिया कि एक में मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो सवाल यह उठा कि स्तनधारी जीव या फिर पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को यानी कि खून को अलग करना क्यों जरूरी है, आखिर क्यों अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे कि आखिर हमारा जो हृदय है उसमें ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसको अलग अलग क्यों करना जरूरी है? इसका आंसर लिखिएगा, उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए स्तनधारियों तथा पक्षियों में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे लिखिए, फिर से मिलाइएगा, उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए स्तनधारियों तथा पक्षियों में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हृदय के दायां और बायां भाग ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से रोकता है ठीक है। चलिए देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे
कि आखिर हमारा हृदय जो होता है उसमें ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना क्यों जरूरी है, तो देख लीजिए, हम लोग अपना शरीर का टेम्परेचर मापिएगा तो लगभग 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर का टेम्परेचर चाहिए। अब इससे ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि बुखार लग गया, फीवर हो गया, ठीक है, यानी कि शरीर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो स्वस्थ शरीर है उसका भी टेम्परेचर जरूरी है, ठीक है, उसका भी तापमान जरूरी है। तो उस तापमान को बनाए रखने के लिए ही हमारा ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को कभी मिलाना नहीं है। जब ये मिलेगा तो हमारा शरीर का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फिर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आखिर हमारा जो हृदय है उसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त यानी कि खून को मिलने से क्यों रोका जाता है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहे, बढ़े घटे नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि अच्छा, दूसरी बात कि हमारे हृदय का दायां और बायां भाग के बारे में सीख पा रहे होंगे कि दायां और बायां भाग ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, मिलने से रोकता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उत्तर लिखिए। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य दो घटक हैं। पहला उत्तर, वो तो क्वेश्चन था ना, तीसरा क्वेश्चन था कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उत्तर में लिखिए, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख दो घटक हैं। पहला का नाम है जाइलम ऊतक, ठीक है, जाइलम ऊतक। दूसरा का नाम क्या है? फ्लोएम ऊतक, ठीक है, देख लीजिए। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा था कि मानव में वहन तंत्र के लिए घटक कौन है, यानी कि मानव में वहन का काम कौन कौन करता है। वहन का मतलब शरीर में जो पदार्थ है उसको ढोने का कौन कौन काम करता है, तो हृदय, रुधिर वाहिका, लसिका, प्लेटलेट्स। उसी तरीके से मानव का बात छोड़ दिया जाए तो पादपों का मतलब पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधे हैं उनमें वहन के लिए कौन कौन से घटक हैं, तो वहन के लिए दो ही घटक है हम लोग पढ़े ना है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम मतलब ये पौधों में जल को ढोता है, ठीक है, यानी कि पौधे जो है, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल को सोख कर पौधे के हर भाग तक जल पहुंचाते हैं। वो जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम, तो फ्लोएम ऊतक क्या काम करता है, तो पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह भोजन को पूरे शरीर में किसके द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि फ्लोएम ऊतक। तो सवाल यहाँ पे बोल रहा था कि कौन घटक क्या है या उसका घटक कौन कौन से हैं, उसका कार्य नहीं पूछा है। तो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का कार्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे कि दो घटक है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, बस, ठीक है। अगर इसका कार्य पूछता तब हम इसका कार्य भी लिखते, जैसे कि वहां पे कार्य पूछा था तो हृदय का कार्य लिखें, रुधिर वाहिका का कार्य लिखें, लसिका का कार्य लिखें, यहाँ पे हमें कार्य नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा जाए क्वेश्चन, लिखा जाए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ये आपका क्वेश्चन हुआ 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, पादपों में स्पेशल रूप से जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो सिंपल है कि जल का वहन किसके द्वारा होगा? जाइलम ऊतक के द्वारा होगा। चलिए इसका आंसर लिखा जाए। जड़ तना तथा पत्तियों में उपस्थित वाहिकाएं आपस में जुड़कर उपस्थित जड़ तना तथा पत्तियों में उपस्थित वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिका का एक जाल बनाती है। जिसमें जाइलम ऊतक कार्यशील होता है, जिसके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जल तथा खनिज लवण का वहन होता है। जी हाँ, हम लोग सिंपल समझ रहे थे कि जल तथा वहन का जो पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, तो मुख्य रूप से जाइलम ऊतक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। पादपों में भोजन का स्थानांतरण, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? आपको पता है कि पादपों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो उसका नाम क्या है? फ्लोएम ऊतक, ठीक है, जो भोजन का स्थानांतरण करता है, यानी कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, वह भोजन का वहन किसके कारण होता है? तो फ्लोएम ऊतक। चलिए इसका आंसर लिखा जाए, 5वां का उत्तर, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाया गया भोजन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है या भेजा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल वे है, हम लोग सब चीज़ पढ़े हुए हैं, तो ये इजी वे में समझ में भी आता है कि क्या चीज़ें बोला जा रहा है, और अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग NCERT के जो 5 क्वेश्चन थे उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। अब इसके आगे जो एक उत्सर्जन है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।